हरियाणा के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। आए दिन अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब हरियाणा के लोग कांग्रेस को हरियाणा की बागडोर सौंपना चाहते हैं। वे अपने निवास स्थान पर विभिन्न गांव से अन्य पार्टियों को छोड़कर आने वाले कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल करने के उपरांत बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सभी को कांग्रेस का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं उन सबका पूरा मान सम्मान किया जाएगा। थानेसर विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रह चुके अशोक अरोड़ा ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से दुखी हो चुकी है। अब जनता कांग्रेस को ही प्रदेश की बागडोर सौंपना चाहती है। भाजपा व जजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार से प्रदेश की जनता परेशान हो चुकी है। अब प्रदेश की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा को यमुना पार पहुंचाने की बात करने वाले जजपा पार्टी के नेता अब भाजपा के साथ मिलकर प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। गठबंधन सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। युवा वर्ग 12वीं की कक्षा के बाद कॉलेज में दाखिला लेने के बजाय विदेश में जाना पसंद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में क्राइम की दर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दिन दहाड़े कत्ल व ठगी की घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन ये सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। गठबंधन सरकार के नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। बता दें कि इस मौके पर विभिन्न गांव से ऋषभ, जगजीत सिंह, जगमीत सिंह, रोहित सावन, राहुल हरमन, मोहित चौधरी, हरकीरत सिंह, पंकज करम सिंह सैनी, जगत सिंह, लोकेंद्र शर्मा, अनिकेत सैनी, सोहन सिंह, जस्सी सैनी, हरविंदर सैनी, रुपिंदर सिंह, रोहित, रॉबिन कंग, मोनू, रमन कंग, देवेंद्र सिंह, गुरजोत व अमन जैलदार सहित अन्यों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। खबर नवा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।